सबका अभियंता रसोई में स्वागत है। आज हम सांभर बनाने की रेसिपी देखेंगे। हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। अब हम जीरा डालेंगे, राई डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद हम करी लीव्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई लौकी ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से हम सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी सारी सब्जियों को एक बार अच्छे से चला लेंगे और अब टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 4 चम्मच सांभर पाउडर ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से सबको मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए ढक करके इनको रख देंगे। लगभग 10 मिनट के बाद जब हम देखेंगे कि हमारा सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। अब इस स्टेज में हम आधी कटोरी दाल डाल देंगे। यहाँ दाल में मैंने हल्दी या नमक कुछ भी ऐड नहीं किया था। सब मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। आपको अपना सांभर ठीक या थिन कैसा चाहिए उस हिसाब से पानी मेजर करके डालें। यहाँ पे हम मिक्स करके हम ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारा सांभर बिल्कुल भी बन करके तैयार हो चुका है। एंड यस फ्रेंड्स, प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड एंजॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।